सरकार कैसी लग रही है, कामकाज कैसे किए? सरकार जो सरकार एक चीज में तो बेहतर है, ये जो तुष्टिकरण के नहीं पहले कांग्रेस करी से आज ये कर रहे हैं। हाँ आज वो कर रहे हैं भाई, वो पोलराइजेशन करी नहीं, वो पोलराइजेशन कर रहे हैं। और इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो आज के 20 साल पहले हिंदू शब्द की कोनो वैल्यू नहीं रही है, आज है, आज है इस चीज़ को वैल्यू है, आज है इस चीज़ को वैल्यू। एक रोटी कम खाएंगे लेकिन इज्जत से रह सकते हैं। राज खत्म हो गया, यह मैं नहीं कह सकता खत्म हो गया। देखिए 70 साल का कोर 9 साल 10 साल में नहीं पूरा होगा। वही बात जेके बीजेपी भी कह रही है 70 साल में देश बर्बाद हो गया 9 साल। चलिए बातचीत करेंगे भैया, बाद में होगी बात। सर कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी सरकार में 20 साल काम करी जो 70 साल में नहीं हुआ वो अब हो रहा है। बिल्कुल करेगी बीजेपी, बहुत सारा काम करी है। अभी सड़कें देख लो, ये गड्ढा कब से नहीं भरा गया था, मैं 2010 से नोटा हूँ यहाँ, अभी ये गड्ढा तब से कायम था। जो अखिलेश सरकार नहीं करवा पाई वो मोदी सरकार करवा रही है। योगी सरकार ने वो हाईवे दिए हैं जो कहीं नहीं थे, और अपना काम सब गिनाते हैं, दूसरों काम नहीं गिना रहे। मेरे घर में राशन पानी नहीं है, नौकरी मिल नहीं रही है, 18 साल से बैठा हूँ 15 साल से, क्या करे मोदी योगी, उनको समझाओ। मोदी योगी 10 साल से आए हैं, उनके चाचा से पूछो जाके। चाचा से बोलो अखिलेश यादव को भेजो हमारे पास, हमारा सही सपना लाएंगे अखिलेश यादव, उनसे बात कर रहा हूँ। कहाँ है बात करने के लिए? चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ कहती है जनता। युग भैया क्या कहेंगे, सब्जी वब्जी लेके जा रहे हैं, महंगाई बढ़ गई है क्या? हाँ महंगाई तो बढ़ी गई है, अब तो राशन भी बंद हो गया। पहले राशन देते थे कि महीने में दो दफे, फिर एक दफे, अब तो राशन बंद हो गया। और मीडिया भी कहती है जी मोदी के बारे में बताओ, योगी के। अब देखो सड़क, देखो ये सड़क दिखाता हूँ, सड़क दिखाता हूँ यहीं आपको, इतने गड्ढे। अगर अचानक चूक गए ना अचानक मोटरसाइकिल पे, अगर घर वाली या कोई बेटा बैठा बच्चा बैठा भड़ाक से नीचे गिर जाएगा। देखो सड़क दिखाऊँ, चलो दिखाऊँ सड़क, मीडिया ये नहीं दिखाती कि अभी सड़क। मीडिया तो राहुल क्या कर रहा है मोदी का, अरे जो मेन चीज सड़क को कहते हैं, सड़क बनवा दी, सड़क पहले नहीं थी क्या? और सरकार के राज में भी तो सड़क थी, जब सड़क पे नहीं चलते थे, जब भी मक्खन जैसी सड़कें अभी बनी। मक्खन आओ दिखाऊं, आपको सबूत दिखाता हूं ना, सबूत। आइए चलो दिखाऊं, आओ सबूत दिखाइए विकास का, बीजेपी विकास दिखाऊंगा, सबूत सड़क टूटी भी दिखाऊंगा, चलो फोटो बना दो। है सड़क नहीं, सड़क आगे देखो, आप चलो मेरे साथ, सड़कें दिखाऊंगा, राशन है, सड़क टूटी पड़ी है सारी। यही जानने आए हैं कि मुद्दे क्या होने वाले हैं, चुनाव तो आ रहा है, जनता क्या चाहती है इस बार? जनता क्या चाहती है, राशन दो दफा मिला है, एक दफा हो गया, अब सब बंद हो गया, अब क्या चाहते हैं? सिलेंडर ग्यारह सौ रुपए का, साढ़े ग्यारह सौ का, एक महंगाई है ही नहीं, महंगाई नहीं है तो क्या रहे, कहीं नहीं है महंगाई। आज बढ़िया सिलेंडर भरवा रहे हैं लोग, एक किलो 1100 है नहीं सिलेंडर, हाँ जी एक किलो ही भरवा रहे हो, एक किलो भरवा रहे हो, इधर सुन लो भाई साहब की भी, एक किलो भरवा रहे हो सर, कितना भरवा रहे हो? एक किलो जवाब दे, एक किलो क्यों भरवा रहे हैं? आज से पहले जब सिलेंडर 300-400 रुपए के गिनाते थे 4000 ग्रेड था, आज तुम्हारा 10000 ग्रेड है, कितने रुपए सैलरी लेते हो भाई? चलो दिखाओ, तीन सौ पूछो ना, एक आदमी सुनो एक आदमी बोल रहा है, इतने आदमी एक से कुछ नहीं होता, 100 झूठ बोलेंगे एक सच बोलेगा, ये 100 लोग झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी आपको कैसे लगते हैं? सब सरकार अजीब, हम तो नेतागिरी कर ही नहीं रहे, हम तो सड़क के बारे में बता रहे हैं कि सड़कें देखो जाके, सड़कें चाटनी नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं बीजेपी सरकार बढ़िया कर रही है, हमें कुछ पता नहीं, हम तो सड़क के बारे में, और कहते हैं ना मलाई रबड़ी बना दी सड़क, आप देखो सड़क जाके। जनता के लिए कुछ नहीं किया सरकार, क्या कर रही है सरकार जनता के लिए, क्या कर रही है, किसके लिए कर रही है? एक किलो गैस भरवा रहे हैं और क्या करेगी सरकार, बस इतने ही काफी है। मेरी गाड़ी खड़ी है, आदमी की लड़की बहनी कभी सिलेंडर चढ़ाती है? बस सुन लो, अभी मोदी जादू चल रहा है, नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चाचा क्यों, चाचा कह के गए हैं कि मोदी जादू नहीं चलने वाला, और लोगों से भी शराब करते हैं। चले पहले हम मार्बलों पे चल रहे थे क्या, सड़कों पे चल रहे थे ना, और राशन की बात यह है, भूखा कौन सा मर रहा है? हमारे कॉलोनी के आज 20 साल बसे हुए हो गए, मायावती का भी राज देख लेगा, अखिलेश का भी राज देख लिया, अब बीजेपी की राज देख लिया, इनमें से बीजेपी के अलावा हमारे कॉलोनी में कोई एक ईंट रख दिया हो तो हम मानते हैं उनको। हम भैया बीजेपी ने काम किया है? बीजेपी ने ही काम किया है, इतने पब्लिक है,
सबके सामने मैं बोल रहा हूँ, इनके अलावा कोई एक का वो पुराना काम गिनाए। हाँ, पुराना काम गिनाए, जो भी पुरानी सरकार के लक्ष्य में महंगाई का सब रोना गाते हैं। 4000 रुपए, 4500 सैलरी लेते थे, आज 9800 ग्रेड है, आज 9800 ग्रेड है। सैलरी नहीं बढ़ी क्या? महंगाई बढ़ी दिख रही है, सैलरी नहीं बढ़ी। धन्यवाद, हमसे बातचीत करती है, रोज कमाती खाती है और रोज नई नई चुनौतियों का सामना करती है, तो ये बेहतर बताती है कि सरकार ने क्या काम किए और क्या काम रह गए। लेकिन 2024 का चुनाव जनता जिन मुद्दों पर चाहती है, क्या उन पर हो पाएगा, या उसको लेकर लगातार सियासत। फिलहाल के लिए दीजिए जान।